कोटा, जब आप पहली बार ये शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में आता है वो मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन की दुनिया, एंड ये दुनिया तो मैंने खुद ने पर्सनली बहुत देखी बिकॉज कोटा इज़ माई होम टाउन. सौरभ खन्ना द क्रिएटर ऑफ द शो, ही वेंट टू कोटा फॉर आई टी प्रिपरेशन. सौरभ खन्ना क्लासेस में पढ़ा ही नहीं है, उसने तो पढ़ाया भी है. इनफैक्ट 50% ऑफ TVF's कोर टीम मेंबर्स वेंट टू कोटा फॉर आई टी प्रिपरेशन. ये कहानी TVF के अंदर बसी हुई थी. तो कोटा के इकोनॉमिक्स और इमोशंस दोनों में ही सिर्फ पढ़ाई है, तो आई थिंक वो कैप्चर होना बहुत जरूरी था. एंड व्हेन एन एकेडमी केम टू अस विद द आइडिया दैट दे वांटेड टू डू समथिंग अराउंड कोटा, सो दैट्स व्हेन वी रियलाइज दैट ओके मे बी दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड टेल द स्टोरी दैट वी ऑलवेज वांटेड टू टेल. Within a span of 30 years, Maheshwari Classes has embarked Kota Factory upon a mission. Isn't black and white. It took me a lot of time to, you know, understand, grasp. It felt right. I knew it felt organic. But we can't just go on a whim and a feeling. I had to convince my department heads. It was never ki kuch aur karna hai TVF jo pehle se banaya tha ya usse kuch alag karna hai. Achha cheez kuch lag raha hai to wo universally accept hota hai. I'm just glad that people understood what that black and white actually meant. At TVF, we strongly believe in lights, camera, experiment. For an academy, it was a bold decision also. Black and white mein India mein isse pehle kabhi kuch hua hi nahi tha. Whenever I read the script and every discussion we had with the writers, the city is also a character in itself. It's one for people who already been to Kota, who live there and who have been there. यार भाई दो दिन से लगातार मांग रहा था, आज बंदी से बात नहीं करी ना तो ब्रेकअप हो गया. But at the same time, we had to loop in people who don't know anything about Kota. कैसे बच्चे रहते हैं, हॉस्टल कल्चर क्या है, मेस क्या है? इसमें ना तुम फल, पानी, सब्जी, दही जो भी हो ना इसमें रख सकते हो. उन्होंने ना सार्वजनिक फ्रिज बना दिया इसको. हमने ये सब थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश की कि हाउ इज दैट सिटी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर सिटी इन इंडिया. ये आप कब से हो कोटा में? हम तो बेटा यहाँ तब से है जब कोटा फैक्ट्री नहीं शहर हुआ करता था. ऑटो वाला का कैरेक्टर चॉइस ऑर्गेनिक चॉइस है कि कोई भी पहली बार गया है पूरा शहर घूमेगा. At the same time, कोटा में बड़े स्टूडेंट्स को लगता है कि वो पढ़ रहे हैं सिर्फ दे आर ऑब्जर्विंग कोटा और मे बी टीचर्स, पर नहीं, जो वहाँ लोग रह रहे हैं वो लोग कभी एक कोटा पे पर्सपेक्टिव. कास्टिंग द ऑटो वाला वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. भारत का एक ऐसी जगह है जहाँ सैमसंग का नहीं नोकिया का बोलबाला है. और दिन रात स्टूडेंट यहाँ पर IIT में खाते हैं, IIT में पीते हैं, IIT में ही पहनते हैं. It's exhilarating. I honestly, personally would have liked Amitabh Bachchan sir to be the auto wala so that, you know, it's like an element of surprise, you know. मुझे इस बात की बहुत पुतखशी है. So I had to finally go and request Deepak Kumar Mishra to do this role. I had to beg, plead, cry and promise him things that I can't mention on camera. I'm not interested yaar. मुझे सुनना ही नहीं है. मिश्रा जी मतलब ऐसे एक्टर हैं कि मैं हमेशा देखना चाहता हूँ कि यार ये क्या करेंगे इसके अंदर. तो मैंने अपनी तरफ से जो था कि यार ये मैंने ये सोच के लिखा है, आपको आप बताओ. इसका यहाँ आके भी नहीं हुआ इसका होना ही वैसे कुछ कुछ जैसे एक लाइन हुआ है कि अरे थोड़ा पढ़ लो, वो जो ऑटो में बाहर चलते चलते बोल देते अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा, तो वो उनकी एडिशन है क्योंकि वो ऐसे थोड़े हल्की सी भगचौदी करके निकल जाएंगे. बच्चों का खुद आईटी में नहीं हुआ लेकिन हजारों का करा है. दीपक कुमार मिश्रा ऑन बोर्ड 2 days बिफोर द शूट, वी जस्ट ऑटोमेटिकली अज्यूम दैट मिश्रा जी नोज हाउ टू राइड एन ऑटो. ऑटो वाला काफी डिफिकल्ट था. क्रिएटिवली इट वॉज नॉट अ टफ थिंग टू शूट.
तो आई थिंक मोर इट वॉज डिफिकल्ट फॉर एक्टर्स एस्पेशली बिकॉज वी डिडंट शूट इन अ फेक वे इट वॉज वेरी रियल इट वॉज एक्ट वेर रियल लोकेशन वेर द प्रोसेस वॉज गोइंग ऑन लेट्स डू बोथ द वेरिएशंस लेट्स सी So Mishra ji is literally taking his dialogues and he barely can see ahead. Like I remember Mishra ji had to write but I had not given him space to even see the front of the road. We were in front of them so we'll make sure that it's a safe road and we are riding at the same speed. We were in a different car, the actors are in a rickshaw, the rickshaw is heavily rigged. The sound guy is facing a lot of problems. He's sitting in between the papa and Vaibhav. So if you go and see, there's like enough gap for him to just cooch in there and like record all the sound. So our sound guy has done a fabulous job, Ashish Shinde. Keep going straight, yeah? Raghu and I were very worried that if we would be able to do it, and but at the end, finally, we got it. It was probably the toughest shoot of all the 31 days. At TVF, we try to keep our casting as real and as true to the character, what's been written as possible. We have been lucky to find these actors that we have. वैभव नॉर्मल सा टीयर टू सिटी का ऐसा भोला भाला बंदा जिसने दुनिया नहीं देखी है तो ऑडिशन हम लेते रहे लेते रहे लेते रहे लेकिन बात बन नहीं पा रही थी बस जीरो दे जीरो ये बाटला अगर ऐसा पढ़ाएगा तो हम फीडबैक फॉर्म अंडे देंगे ना कास्टिंग से आया था कि मयूर मोरे करके बंदा मिल लो उससे उसने कोई शॉर्ट फिल्म करी थी जिसमें एक्चुअली उसने IIT एस्पिरेंट प्ले किया था तो जब उसने मुझे वो अपना लुक दिखाया और जिस तरीके से वो है तो फिर मेरे को और कॉन्फिडेंस आया एक कंफ्यूज्ड सा कैरेक्टर उसको दिखाना था तो वैभव के चेहरे पे काफ़ी टाइम तक स्टे हमें करना था बिकॉज ही इज़ आवर मेन कैरेक्टर द स्टोरी गोज थ्रू हिम ऑडियंस इज फीलिंग थ्रू हिम Music in most of the cases was how Vaibhav feels, how he's reacting to the situation that's presented to him. All Raghav said is that he wanted it to be a piano-based composition most of the time. ये जो पेन घुमाना है ये हमारे राइटर अभिषेक यादव की एक आदत है और ये IITians की भी आदत है apparently. तो ये इसके हमने काफ़ी तरीके ढूंढे वैभव ने भी इसको करने की कोशिश करी काफ़ी YouTube वीडियोस वगैरह देखे पर ये होता है तभी जब आप बहुत ज़्यादा टाइम एक सवाल पे परेशान रहते हो ना कि भाई कैसे होगा तो अपने आप पेन घूमने लगता है इट्स ईजी इट्स प्रीटी सिंपल वो बस हल्का सा प्रेशर होता है एंड देन घूम जाता है वो तो वो मीना एक ऐसा कैरेक्टर था जो हम पहले भी एक शो में लिखना चाहते थे तो मैं मीना प्रोडिजी A5 ये हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त रहे हैं कचारी इसको स्टार्ट करते हैं आज तो कुछ ज़्यादा ही मिर्ची होगी भाई साहब तो मीना लिखना काफ़ी हमारे लिए आसान था क्योंकि दिमाग में काफ़ी क्लियर था मीना बहुत बहुत ढूंढा हम लोगों ने मीना द राइटर्स एंड आई रीच दैट पॉइंट वेयर वी आर लाइक ओके रंजन रिलैक्स उसे बोला कि भाई खुद ऑडिशन करके भेज उसने फोन को ऐसे बेड के पास रख के उसका ऑडिशन दिया है अगर आपके पास इतना संसाधन है आप महेश्वरी क्यों नहीं गए स्मॉलर कट्स है मतलब वो थोड़ा सा चंचल है वो जल्दी से आता है जल्दी से चला जाता है लाइक ही इज स्प्रिंकल्ड हियर एंड देयर उ
उदय ही वैसा बंदा है जो थोड़ा ओवर एक्ट कर रहा है। देख मतलब बाकी आप सबको देखोगे तो काफ़ी रियलिस्टिक सी अलग एक्टिंग कर रहे हैं और मतलब वो शांत से हैं, लेकिन उदय भाई जो हैं वो अपने जोन में रहते हैं। चाय पीने चलते चल। शिवांगी तो तेज काटती हो यार तू। उदय को डेवलप ऐसा करना था कि ही इज अ ब्रैट और इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी चल रहा है। कलीच हूँ शक्ल से, दिल से नहीं। अनअकैडमी प्लस का एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लिया है तेरे लिए, जा अटेंड कर जितने लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकता है। सो दैट इन द फिफ्थ एपिसोड वी ब्रेक दैट कैरेक्टर दैट वी हैव डेवलप्ड फॉर द फोर एपिसोड्स। नहीं होता यार मुझसे, नहीं कर पाता मैं कॉन्सेंट्रेट, नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह छह छह घंटे। एंड देन वी गिव हिम दिस वन मोनोलॉग एंड वी स्टे ऑन हिम। माँ बाप के डिसीजन शायद गलत हो सकते हैं, उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती। No anion compound is completely ionic and no covalent compound is completely covalent. एक लड़की है जो क्लास में पूरा चुप शांत रहती है और वो जब मार्क्स आते हैं हम देखते हैं रैंक, तो वो रैंक वन रैंक टू होती है। मैं ना एक बार लंच से पहले और डिनर के बाद अपनी पीरियोडिक टेबल रिवाइज करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। She's this little bundle of crazy. कचालू बेटे कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, बंदर ने लात मारा, रो रहे थे, सो रहे थे। In the very beginning, she took a little bit of time to get into the character. पुलिस वाले ने असली साहित्य पढ़ते हुए पकड़ लिया ना, तो भी बजा लेते हैं। But eventually, once we started shooting, she became Meenal. She became wild. She became crazy. Stuff like hello friends was stuff that she brought herself. No, मत करना। जी तो भैया ने relax करने को कहा है, तो relax करना। Oh हाँ। And sir, give me all your money. मैथ्स ही तो मेरी बायो थी, पर पापा IIT है ना, तो मेडिकल कर रही हूँ। वहाँ पे ना सिर्फ IIT की प्रिपरेशन होती है, वहाँ पे NIT और NEET और AIPMT की भी प्रिपरेशन होती है। सो दैट कैरेक्टर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय। अरे आप अंदर ही थी। शिवांगी महिला होगी तेरी माँ। अगर मुझे बेट लगानी हो कि भाई किसका फाइनली होगा सिलेक्शन डेफिनेटली, तो मेरे हिसाब से वो शिवांगी है कि जिसका डेफिनेटली होगा। एहसास के साथ काफ़ी बार काम कर चुके हैं हम। एहसास का एक स्पेस है जो हमेशा वो ब्रेक करती है। शी ऑलवेज ब्रिंग्स समथिंग न्यू टू हर कैरेक्टर्स। शी इज एन एक्टर ऑफ अ डिफरेंट फ्लेयर ऑल टुगेदर। With that whole sweetness, we somewhere deep inside knew that Revati is it. She was exactly what we needed, exactly what the script demanded. सब कर डाला। कल एग्जाम है और मुझे डर भी नहीं लग रहा। So कहीं ना कहीं वर्तिका और वैभव ये दो एवरेज टाइप के भी हैं जो फाइट कर रहे हैं। कुछ चीजें इन्हें आती हैं, कुछ चीजें नहीं आती हैं। So we tried to fill in like all possible kind of people, हर टाइप का स्टूडेंट। वहाँ का यूनिवर्स दिखाना चाह रहे थे। जीतू भी एक ऑर्गेनिक चॉइस है, उनके जैसा कैरेक्टर जो आके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। प्रॉब्लम सिर्फ एकेडमिक प्रॉब्लम नहीं, जो आप लाइफ में फेस करो या मेंटल इश्यूज जो आप फेस करो उनको सॉल्व करेगा। है नुकसान है, यही तो नहीं समझते लोग। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। कोटा में आज भी टीचर है हमारे टाइम पे भी थे, जो बहुत मोटिवेट करते थे, जो आपको गाइड कर पाते थे। वैभव पांडे। जी सर। भीख मांगने में ज्यादा मजा आता है। देख भीख तो मांग मत, कुछ चाहिए तो मेहनत कर और छीन ले। द न्यू एज गैंडाल्फ हमें दिखाना था जीतू को शायद। क्या बोला था जीतू सर, फिजिक्स कभी गलत नहीं हो सकते। जितेंद्र कुमार वाज आवर ऑब्वियस चॉइस एंड आई डोंट थिंक एनीवन एल्स कुड हैव डन इट बेटर देन हिम। ये सब तूने बनाया। जीतू अपने आंखों के साथ इतना कुछ कर देता है कि 5 फ्रेम में 3 एक्सप्रेशन दे देता है। डांट नहीं रहा हूं, जगा रहा हूं, बैठ। जीतू के कैरेक्टर के साथ ट्राई ये किया है कि जब वो अपना
मोनोलॉग देना स्टार्ट करता है या अपना कोई बात बताना स्टार्ट करता है, तो वी केप्ट ऑन हिम सो दैट ऑडियंस फील करे कि वो जीतू से बात कर रहा है। आईआईटी में चतुर नहीं जाते हैं, सिर्फ रैंचो जाते हैं। थ्री इडियट्स देखिए ना। We were lucky to find like a fabulous secondary cast also. आंटी ने बातों बातों पे मेरे डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ दोनों पूछ लिए थे। हाँ। मैस के खाने की तरफ देखो ही मत, चुपचाप रोटी उठाओ, जो मिले वो लगाओ और खा लो। गर्लफ्रेंड है? नहीं है, मुझे आप चल रही नहीं है। तुम्हें अगर एक्सेप्शन नहीं पता तो क्या पढ़ाई थी तुमने आज तक? हाँ? दीपक, the guy who runs Prodigy classes, is our associate producer of the show. ये तुम सब जो हो ना, genius बच्चे हो यार। He's not an actor. यार देख, select तो तुम वहाँ पर भी होगे और यहाँ पर, और यहाँ के होगे topper, prize मिलेगा। Casting a non-actor is a big deal and it is frowned upon, but not at TVF, and that is one of the greatest things that we do. We are at the Kachori shop right now. This is that scene where they realize that it's the faculty that makes kids understand a subject. But sir, science mein rule thodi na break ho sakta hai. Ye kisne kaha tumse? Tumhe exception nahi pata to kya padhai ki tumne aaj tak? Ek kaam kar, aap ghar jaake maa se keh dena ki aage nahi hoga. Jaise hi aaye chemistry, aa gaya exception. The third episode's credit roll scene. So this scene sets the rest of the episode. ये रैपर नहीं है, ये ट्रॉफीज है। मेरा चौथा चॉकलेट प्रॉब्लम। कोटा फैक्ट्री में जेई क्रैक करने की कुछ जनरल टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं। They may not be true for like everybody, but most of the students को उससे एक तरीका मिलेगा। और जिनको नहीं भी मिलेगा, वो लोग जाके अपने रिस्पेक्टिव टीचर से बेस्ट डिस्कस कर सकते हैं what may work for them or not। अबे 60% सिलेबस छोड़ भी दोगे ना, तो भी चांस है कि IIT में हो जाए। थर्ड एपिसोड जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मत पढ़ो, दैट इज स्पेसिफिक टू वैभव। सो बहुत सारे स्टूडेंट को फिजिक्स वगैरह से प्यार हो जाएगा, एक बहुत छोटी माइनॉरिटी को आई फील कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी की फेवरेट फेवरेट होगी। इनफैक्ट मेरे को भी जो उसमें वो लाइन है कि पहले ये मॉडल पढ़ाते हैं डाल्टन, फिर बोर्स पढ़ाते हैं, ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अनोइंग था मेरे लिए जब मैं खुद 11, 12 और 13 जब मैं था। तीन तीन टीचर्स बदल दिए, पढ़ने की स्ट्रेटजी बदल दी, पर रैंक रिजल्ट क्या घंटा। द रैंक वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल सीन्स दैट डिमांडेड अटेंशन। मेरा प्रॉब्लम टीचर में नहीं है, इस चूतिया सब्जेक्ट में। मैथ्स से सीखो कुछ, जीरो से नौ दस डिजिट फिक्स कर दो, फाइनल पढ़ेगा। बिकॉज इट वाज रिटन आल्सो इन अ वे दैट इट्स अ सीमलेस रैंट व्हिच इज गोइंग ऑन इन मल्टीपल प्लेसेस बट स्टिल विद द सेम नोशन एंड द सेम इमोशन व्हिच वैभव हैड टू डू। इस चूतिया सब्जेक्ट में भैया बोरिंग सब्जेक्ट है। The start and end was still fine, but in the middle when I wanted him to exactly do something which we had shot I guess 3 or 5 days back, it was not even back to back. Hey bro, what's up? Bye sir. Bye. Sunna, four different days, 4 different costumes and 4 different locations, but the energy level had to be the same. एक अकेले एटॉम पे कितने सारे मॉडल हैं? हर एटॉम अपनी मर्जी से एक्ट और रिएक्ट करता है, या कुछ भी हो सकता है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्टिव है। सो वी शॉट द लास्ट चंक वेयर ही मीट्स जीतू भाई ऑन द फर्स्ट डे। शॉट 5 एंड 6, टेक 1। सो टू गेट इनटू द जोन ही यूज्ड टू स्टिक अ पेन इन हिज माउथ एंड जस्ट लाइक गो एंड टेक हिज लाइंस लाइक फुल गस्टो, फुल एनर्जी। रोल कैमरास रोलिंग। एडिट वाइज सिंपल एक कट बोलते हैं, मैच कट, वो किया है। एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं तो सिंपल मैच कट होता है। अबे इंसेप्शन देख के इतना कंफ्यूज नहीं हुआ था जितना एक्सेप्शन ने कर दिया है। हर एटॉम अपनी मर्जी से एक्ट और रिएक्ट करता है। स्टार्टिंग में जितना इंटेंसिटी है, इट ग्रोज एंड ग्रोज एंड ग्रोज बाय द टाइम ही रीचेस जीतू भैया'स हाउस। प्रॉब्लम टीचर में नहीं, सब्जेक्ट में। तेरा किसमें हुआ? A3। नो, और वहां के A3 वालों की 80% प्रोबेबिलिटी होती है जेई में सिलेक्ट होने की।
every year thousands of students take such calls in Kota. और मैंने तो ऐसे एग्जाम दिया था यार. They are exploring from one shop to another shop. Keep taking risk. पेपर क्यों दिया फिर? ऐसे ही देखने के लिए कि कहाँ स्टैंड करता हूँ. They are ready for this diversion just so that they can have 1% more chance कि they will crack IITJ. They will do everything under their control. So you have to understand कि वैभव के लिए भी वो उतना ही नया होगा. उसको भी नहीं पता यहाँ पे सब सेट है और वो जा रहा है. क्या हुआ? किया तो decide. और obviously वो difficult है. That's why it needs to be done. Goodbyes are tough to shoot, to implement also. The shot where Vaibhav's leaving and Vartika enters, if our camera is placed here, there's an easy 150 people just around the camera. Vaibhav! And we had to shoot the whole area. We wanted a wide of it in which you can see both of them standing alone or Vartika entering. पर जिस एरिया में हम शूट कर रहे थे वो कोटा का सबसे क्राउडेड एरिया है. राघव को चाहिए था कि गली खाली हो एकदम पर दुकानें खुली हो. We needed silence and controlling 150 people is not easy. प्लीज आप लोग हमारी मदद करें. शूटिंग को शांतिपूर्ण ढंग से प्लीज और वीडियो कोई नहीं निकाले भैया प्लीज I went to Mehboob ji and I said, Mehboob ji, I think this shoot won't happen. I can't do this. This is impossible. Problem तो थी और solution समझ में नहीं आ रहा था. फिर एकदम से एक idea click ये हुआ कि लोगों को shoot देखना है ना, तो उनको shoot दिखाते हैं, उनको fake shoot दिखाते हैं. मेरे प्रोडक्शन मैनेजर, हमारे क्रू के 2-3 लोग, उसमें से एक बंदा कैमरामैन बन गया. बंद है कैमरा, उसमें बैटरी भी नहीं है. ये पब्लिक हटाओ, ट्रेंड दिख रहे हैं यार, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? They were trying to show that this is the main shoot happening, so all the people ran towards them to capture, and luckily because of that we could shoot in peace. Because it was the climax. It was very important for us to get the sound, the dialogue, and to actually do it as calm and composed as we can. We didn't want to rush it because this is their final scene for them also. क्या हुआ? सब ठीक है ना? For the actors, they had to give their best because it's an emotional scene. It requires more effort for them to pull off. बाकी दही का क्या करोगी? बालों पे लगा लो. छी याक. All the teams got together and we executed it in one night. And believe it or not, the entire climax was shot in one night. जो लिखा हुआ था वो एक कंप्लीट सर्कल बनाता था. जिस तरह से अपना पहला सीन है उसी तरह के माहौल में 5th एपिसोड का लास्ट सीन एंड होता है. When Vaibhav comes to Kota, there's that individual shot of him on the rickshaw. He's on the right hand side of frame. It's the same shot repeated when Uday is taking him to his new PG. He's again on the right hand side of frame. Someday. When Vaibhav enters the world of Kota, we have used a gentleman. A different version of the gentleman, which we used in the first episode. We needed to show that Vaibhav is coming of age and he's kind of grown up, he's mature now. Actual जो sounds रहते हैं, ambience जो रहता है, बस वो play किया है. Same music बजाने से क्या होता है? Your subconscious understands a lot of things that your conscious brain does not understand. So execution wise, this is how we made it a circle in the episode and in the show. In nutshell, from series like Kota Factory, अगर मैं बोलूँ तो APJ अब्दुल कलाम के वर्ड्स में बोलना चाहूँगा कि small dream is a big crime. IIT की तैयारी सिर्फ इसलिए करो क्योंकि वो टफ है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है. छोटा मोटा एग्जाम जो तुम्हें लगता है, छोटा मोटा कोई भी टारगेट लाइफ में जो तुम्हें लगता है कि तुम बिना ग्रो किए अचीव कर लोगे, डोंट इवन एम फॉर दैट. नॉट वर्थ इट.